सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। ईश्वर ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हमारी खोज है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन करियर को छोड़कर प्यार करना बहुत बड़ी मूर्खता है। आज का पंचांग 10 नवंबर 2020, दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:55 से 4:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। मेष राशि 10 नवंबर 2020, दिन मंगलवार, आज आप आवेगी मूड में हैं। किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने दौड़ पड़ेंगी, जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें। आपके सामने कई अवसर एक साथ आएंगे, आपको सोच समझकर उनमें से चुनना है। काम में नाकामयाबी से आप अपनी स्थिति या अपने रोजगार की जगह का मूल्यांकन कर सकते हैं। अस्थायी चुनौती को अपनी छवि का नुकसान ना करने दें। आय का एक और स्रोत आपका इंतजार कर रहा है। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें और खुद को हानि पहुंचाने वाले व्यवहार से बचें। आज रोमांटिक भावनाएं आपके दिन को कुछ खास बनाने वाली है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन शुभ है। अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगी जो आपको प्रेरित करेगी। अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखें। सफलता तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। सफल होने के लिए आपको सभी चढ़नी पड़ेगी। आज के दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। अब तक जो भी निवेश किए हैं उनमें बहुत लाभ हो सकता है। आप कुछ ऐसे भी कार्य करेंगे जिससे आपकी रचनात्मकता सामने आएगी। त्योहार विशेष की तैयारी में भी समय व्यतीत होगा। आप पर काम का दबाव होने के बावजूद भी आप परिस्थिति का आनंद ले पाएंगे। दिन के अंत तक कोई ना कोई समस्या का सामना होगा, फिर भी आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा। सेहत का साथ न मिलने की वजह से काम की गति धीमी हो सकती है। आखिरी वक्त तक काम खत्म न होना स्ट्रेस बढ़ाएगा। पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। थायराइड से जुड़ी तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। समय जितना पक्ष का है उतना ही विपरीत भी है। अदालती मामलों में उलझने से बचें। टांगों का दर्द परेशान कर सकते हैं। सावधानियां, अपने प्रयत्नों में कमी बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि यदि सफल होना है तो मेहनत करनी भी पड़ेगी। दोपहर बाद समय कुछ प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न कर सकता है। कामों में विघ्न आ सकते हैं। लव लाइफ की बात करते हैं। आपको अपने पार्टनर को बिना कोई शर्त प्यार और समर्थन देना होगा। आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चल सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताएं ध्यान में रखते हुए पार्टनर के साथ सहानुभूति से पेश आना होगा। आप पाएंगे कि इससे आपका रिश्ता मजबूत हुआ है। अपने पार्टनर को जांचने में कठोर ना बने, बल्कि आपके रिश्ते में इस तूफानी समय से
निकलने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा, जिनमें उनकी बात प्यार से सुनना भी शामिल है। इस समय आप अपने रूप रंग में भी बदलाव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इसके साथ ही फोन कॉल और यात्राएं आपको अधिक व्यस्त रखेगी। जीवन की हर खुशी का आप खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं। अहंकार को त्याग कर हर फैसला लें। सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आपका जीवन रोमांस से लबालब है और आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त दिन है। पेशवर मामलों को छोड़कर भावुकता आपके लिए प्रथम पायदान पर होगी। आप अब सिर्फ अपने पार्टनर की इच्छाओं के बारे में जानना चाहते हैं। इसे आप दोनों कामुक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। पारिवारिक सहयोग न मिलने की वजह से जीवन साथी भी पारिवारिक सहयोग न मिलने से कईयों को जीवन साथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर रहें। बात करते हैं करियर की। अगर आप व्यवसाय संबंधित कुछ परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं या स्टॉप नौकरी आदि में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है। परंतु अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय कुछ सावधान रहना आवश्यक है। अपनी नौकरी पर अधिक ध्यान दें और इधर उधर ना भटके। आपकी ईमानदारी और मेहनत आपकी पहचान है, जो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है। आत्म मूल्यों का मूल्यांकन करके आप अपने काम करने के तरीकों को निखार सकते हैं। आज अपने परिवार के साथ समय बिताना ना भूलें। आप आज रोमांटिक महसूस कर सकते हैं और अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी यह समय अच्छा है। आर्थिक और अन्य पेशेवर मामले इस समय आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप खुद को उदासीनता से दूर करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जीवन में जितने अधिक हो सके उतने संपर्क बनाएं। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के प्रति भी प्रभावित हैं, जिनमें आपके जूनियर या आपसे निचले कर्म की सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणीय स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावना लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। बात करते हैं सेहत की। आज आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित कई जांचें करानी पड़ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होगी, लेकिन फिलहाल चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसे अपने स्वास्थ्य के लिए चेतावनी समझें और अपने खाने तथा जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। अगर आप इस समय पर्याप्त सावधानी रखेंगे तो भविष्य में होने वाली तकलीफों से बच पाएंगी। आज आप कोशिश करें कि दबाव में ना रहें। हो सकता है किसी चिड़ को लेकर भी आपको टेंशन हो जाए, अपना ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।